जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। गुरु जी के चरणों में मेरा प्रणाम। गुरु जी मन निर्मल कैसे होगा? श्री राम चित मानस और श्रीमद्भागवत गीता सुनने के बावजूद भी कपट हो जाता है, मन कैसे निर्मल होगा? हरिओ हरिओ हरिओ, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। गणेश जी, निर्मल मन को पहले जान ले कि क्या होता है। तो एक ऐसा मन जिसकी बुद्धि में एक परमात्मा के अलावा किसी भी स्वभाव का कोई कण न हो, यानी अहंकार के भाव से जिसकी बुद्धि बधी न हो, उसी का मन निर्मल होता है। तो ऐसा भाव कि यह जो संपूर्ण शरीर है, यह मात्र आत्मा के सहारे ही सोच रहा है, कर्म कर रहा है और बाणी दे रहा है, यानी मनसा वाचा और कर्मणा। तो यह निर्मल मन पाने के लिए कोई भी प्राणी हो, उसको सबसे पहले सात्विक धारणा होनी चाहिए। सात्विक धारणा का अर्थ है कि वह शक्ति जिसको मात्र एक ही उद्देश्य रखना हो जीवन में, वह है परमात्मा की प्राप्ति। अर्थात जीभ, नाक, आंख, कान और त्वचा, इन इंद्रियों के विषयों के तरफ मन एक क्षण के लिए भी न जाए। तब जब यह धारणा होगी, तभी सात्विक बुद्धि का अभ्युदय होगा। सात्विक बुद्धि क्या होती है? वह श्रीमद् भागवत गीता के 18वें अध्याय के 30वें श्लोक में साफ साफ वर्णित किया गया है। ऐसी बुद्धि जिसको प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग को कर्तव्य अकर्तव्य मार्ग को भय और अभय क्या होते हैं, बंधन और मुक्ति क्या होती है, इन चारों युग्मों का यथार्थ बोध होता है। तो सात्विक धारणा से बुद्धि सात्विक हो जाएगी, तो सबसे पहले निष्कपट बनना पड़ेगा। निर्मल मन की प्राप्ति के लिए सबसे पहले क्या होना पड़ेगा? निष्कपट निष्कपट होना पड़ेगा। और तो पहले जानना होगा कि कपट क्या होता है। जी। तो सोच, कर्म और वाणी, इन तीनों में यदि अंतर है तो उसे कपट कहते हैं। और जब इन कपट का प्रयोग किसी भी स्वार्थ सिद्धि के लिए किया जाए, चाहे वह स्वर्ग की प्राप्ति के लिए
चाहे पूजा कराने के लिए, चाहे आश्रम बनवाने के लिए, चाहे चेला बनाने के लिए, चाहे शादी करने के लिए, चाहे बच्चा पैदा करने के लिए, चाहे धन कमाने की इच्छा से, या तो ब्रह्मा जी के पद को प्राप्त करने के लिए। जहां तक कपट का प्रयोग होता है उसे छल कहते हैं। तो जब बुद्धि निष्कपट होगी तभी वह जाके निश्चल होगी, और जब निश्चल होगी तब जाकर के यह जो भाव है परमात्मा के प्राप्ति का, तो उसके अलावा कोई कामना नहीं रह जाएगा। तब जाकर के बुद्धि निष्काम हो जाएगी, और जब निष्काम हो जाएगी तो वह किसी का पक्ष नहीं लेगी कि ये मेरा है ये आपका है। मेरे लिए अपना पक्ष के बारे में बात करेंगे, दूसरे के लिए है तो उसका पक्ष नहीं लेंगे। यानी निष्काम होने के बाद तब जाकर बुद्धि निष्पक्ष होगी, और जब निष्पक्ष होगी तो बुद्धि निर्मल हो जाएगी, और जब निर्मल हो जाएगी तब उसको पूर्ण भाव से उसका मन, बुद्धि, इंद्रिया और संपूर्ण शरीर भगवान का सेवक हो जाएगा। और जब वह सेवक हो जाएगा तब तो वह जीव सनात हो गया, और जब सनात हो गया तो उसका मनुष्य जन्म और जीवन सफल हो गया। और जैसा कि आप कहे हैं कि यह ज्ञान संसार जगत में जाए तो श्रद्धालुओं का कल्याण होगा, तो जब आपका मन निर्मल हो जाए तब इस ज्ञान को अवश्य आप श्रद्धालुओं के परम कल्याण के लिए दे सकते हैं, क्योंकि वर्तमान बुद्धि का, वर्तमान मन का जो कुछ भी लेना देना रहा वह मात्र श्री शिव जी से, ब्रह्मा जी तक स्वार्थ का संबंध अब वर्तमान मन बुद्धि शरीर का रहा नहीं। तो यदि आप देना चाहते हैं तो अपने श्री मुख से अपना जो है संपर्क नंबर बोल करके वाणी को विराम दे दीजिए। आपका संपर्क नंबर जो भी है 7311880 73 11 11 88 03। तो आप जब भी इस बाड़ी को देना चाहे संसार जगत को दे सकते हैं, जिससे श्रद्धालु जो भी भगवान की अनन्य भक्ति चाहे उसको यह भक्ति इस मार्ग पर चलने से अवश्य प्राप्त हो जाएगी। और बाड़ी को विराम देने के पूर्व एक बात यही कहना चाहूँगा कि हर युग का प्रभाव मनुष्य के बुद्धि पर पड़ता है, वह भी भगवान की माया के प्रेरणा से। नित युग धर्म हो ही सब केरे, हृदय राम माया के प्रेरे। तो जो जीव भगवान का अनन्य सेवक हो जाएगा वही मात्र कलयुग के पाप से बच पाएगा। मात्र यही एक अवस्था है जहां पर युग का प्रभाव नहीं पड़ेगा, और मनुष्य जन्म और जीवन का कोई भी श्रद्धालु परम लाभ प्राप्त कर सकता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। यह सभी बाड़ी भगवान भोलेनाथ के चरणों में समर्पित है। हरिओम।